धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे निवासी दो युवा अधिवक्ताओं की भरतपुर जिले में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मौत की सूचना पर जिले भर के अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार बाड़ी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता सूरज प्रकाश पुत्र जगनलाल निवासी क्री मोहल्ला बाड़ी और बीपी सिंह पुत्र रघुनाथ गुर्जर निवासी सिंगरोई बाड़ी वरिष्ठ अधिवक्ता जगनलाल के सानिध्य में प्रैक्टिस करते हैं। सोमवार को सूरज प्रकाश और बीपी सिंह किसी काम से बयाना गए थे। वापस लौटते समय गढ़ी बाजना थाने के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने सबको बयाना अस्पताल में रखवा दिया। मृतक सूरज प्रकाश के पिता जगनलाल बाड़ी कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। दोनों युवा अधिवक्ताओं की मौत की सूचना के बाद जिले भर के अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के बोरेली गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। परिजनों के जागने पर चोर मौके पर एक बाइक छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित लोगों ने घटना की सूचना लेवड़ापुरा पुलिस चौकी को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और पीड़ित लोगों से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक रामनाथ पुत्र नत्थीलाल अपने परिवारजनों के साथ बीती रात घर पर सो रहा था, तभी देर रात्रि के समय अज्ञात चोर घर में प्रवेश कर गए और संदूक और बक्सों के ताले चटका कर 71,000 रुपए नगदी के अलावा लाखों रुपए के सोने चांदी के निर्मित आभूषण चुरा कर मौके से फरार हो गए। घटना की भनक लगते ही परिवारजन जाग गए। जगार होने पर चोर मौके पर एक TVS कंपनी की बाइक छोड़कर भाग निकले। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों के द्वारा काम में ली गई बाइक को जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर में स्मार्ट विलेज धनौरा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर है और जयपुर शहर से 248 किलोमीटर दूर। गांव की आबादी करीब 2000 है। पहले यह गांव धनौरा स्वच्छता, आंतरिक सड़कों जैसी बुनियाद जरूरतों से रहित था। यह अन्य समान समस्याओं का भी सामना कर रहा था, जैसे पीने योग्य पानी तक पहुंच की कमी, जल संरक्षण प्रणाली की अनुपलब्धता, सड़कों पर अतिक्रमण, बिजली के उतार चढ़ाव, रोजगार अनुकूल शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी की अनुपलब्धता आदि हैं। इन सभी बाधाओं के बावजूद गांव एक व्यक्ति अपने बचपन समाज के लिए और अपने छोटे गाँव के लिए कुछ अच्छा और रचनात्मक करने के लिए सपना देख रहा था, जो कि अधिकांश बुनियादी सुविधाओं से रहित था। समाज के लिए कुछ करने का उनका दृढ़ संकल्प और खोज ने उन्हें एक अद्भुत सफलता दी है। इसी गांव के मूल निवासी भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी डॉक्टर सतपाल सिंह मीणा ने सोच बदलो गांव बदलो मुहिम से गांव को भारत का स्मार्ट विलेज बना दिया। गांव में सड़कों का विकास, सुरक्षित पेयजल, शौचालय और सीवरेज प्रणाली, शिक्षा के लिए स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र, पुस्तकालय, ध्यान केंद्र, खेल का मैदान मौजूद है। गांव में 2 किलोमीटर की लंबाई वाली सीवरेज लाइन पूरे गांव में बिछाई गई है। धनौरा गांव के प्रत्येक शौचालय निरीक्षण कक्षों और मेन हॉल के माध्यम से सीवरेज लाइन से जोड़ा हुआ है। सोच बदलो गांव बदलो एक तरह के बहुत अच्छा अभियान है, क्योंकि इसके जरिए जो लोग हमसे बड़े लोग जो कर रहे हैं इस चीज के लिए, हम जो प्रेजेंट टाइम की जो जनरेशन है उससे इससे काफी इफेक्ट पड़ेगा लोगों को सोचने में, आगे देश को किस तरह आगे की जनरेशन लेके जा सकती है उस सारी चीज़ के बारे में, और मतलब इन सारी के थ्रू आने वाली पीढ़ी के लिए एक तरह से वो सबक ले सकती है। सत्यपाल जी हैं, उन्होंने हमारे गांव के सहयोग से हमने एक सोच बदलो गांव बदलो एक समिति बनाई है। सत्यपाल जी के सहयोग से एक हमने धनौरा विकास समिति गठित की, उसके तहत सत्यपाल जी के सहयोग से एक इको फाउंडेशन है, उनके जरिए हमें हमारे पूरे गांव में सिविल लाइन डली हुई है, चौड़े रास्ते हैं, नालियां हैं, नालियों से कहीं गंदगी नहीं होती है, सारा पानी सिविल लाइन में जाता है। एक हमारे यहाँ पे गौरव पथ का विकास भी हो चुका है, हमारे पूरे गांव में शौचालय बने हुए हैं, शौचालयों का निर्माण हो चुका है, सभी उसी में जाते हैं, बाहर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे गाँव की जो महिला हैं वो सफाई के प्रति बहुत जागरूक हैं, सुबह सुबह वो सबसे पहले उठ के पूरे गाँव की सफाई करती हैं, रास्तों में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती, उसमें सब झाड़ू लगाती हैं सभी महिलाएं मिलकर। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चंबल बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया।
इलाके में पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी से बजरी माफिया अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए। थाना प्रभारी धर्म सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चंबल बजरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान मालौनी खुर्द पैंकरी मोड़ और झारपुरा के पास पुलिया ने नाकाबंदी कर चंबल बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है और परिवहन कार्यालय से ट्रैक्टर मालिक का पता लगाकर बजरी माफियाओं की तलाश की जा रही है। धौलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 1389 बैलेट यूनिट और 1157 कंट्रोल यूनिट जिले में भेजी थी। इनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग विभिन्न तापमान की परिस्थितियों में हो चुकी है। 1389 में से 11 बैलेट यूनिट और 1157 में से 6 कंट्रोल यूनिट जांच में उपयुक्त नहीं पाई हैं। मानक के अनुसार ईवीएम के ये दोनों पार्ट बिल्कुल सही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नन्नूवल पाड़िया ने सोमवार को मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बताया कि ईवीएम प्रणाली पूर्ण सुरक्षित है और सबसे सुविधाजनक है। बैठक में उपस्थित भाजपा इंडियन नेशनल कांग्रेस और बसपा के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें ईवीएम की निष्पक्षता पर कोई भी संदेह नहीं रहा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरपुल सिंह यादव, तहसीलदार भगवती शरण त्यागी, भाजपा के डॉक्टर रविंद्र सरोती, इंडियन नेशनल कांग्रेस के विशन चौधरी और बसपा के हरिओम सोराना उपस्थित थे। धौलपुर जिले में स्वराज अभियान के द्वितीय चरण का प्रचार प्रसार करने और केंद्र सरकार की बैंकों से संबंधित फ्लैगशिप योजनाओं के लाभान्वित को चेक स्वीकृत पत्र वितरित करने के लिए सोमवार को जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 3.5 करोड़ रुपए के ऋण एवं इसके स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। 158 पात्रों को 1.4 करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण और 190 स्वयं सहायता समूहों को 2.40 करोड़ रुपए का कारोबारी ऋण वितरित किया गया। मुद्रा में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 17 लोगों को 26 लाख रुपए, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 121 लोगों को 63 लाख रुपए, पंजाब नेशनल बैंक ने 20 लोगों को 15 लाख रुपए ऋण दिया। जगन भवन धौलपुर में पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार बनवारी लाल की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा एवं उपाध्यक्ष दाऊदयाल शर्मा का स्वागत अशोक शर्मा जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी धौलपुर ने किया। इस अवसर पर बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग अन्य समाजों से समन्वय स्थापित कर समाज को मजबूत बनाएं। अशोक शर्मा ने कहा कि धनीराम शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से समाज मजबूत होगा। 20 सितंबर को होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन में अधिक से अधिक ब्राह्मण पधारकर सम्मेलन को सफल बनाएं। धनीराम शर्मा ने कहा कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलूंगा तथा पिछड़े ब्राह्मण को आगे लाने का काम करूंगा। इस मौके पर नंदू शर्मा, रामगोविंद शर्मा, मनोज शर्मा, बॉबी जगरिया, राजेंद्र शर्मा, रामदीन, दिनेश शर्मा, प्रमोद शर्मा, काशीराम, प्रदीप शर्मा, सुरेश शर्मा, गौरीशंकर शर्मा, गोविंद शर्मा, गजेंद्र मुदगल आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर की बैठक मानस मंदिर पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रशांत श्रीवास्तव ने समस्त कार्यकर्ताओं को एबीवीपी की सदस्यता दिलाई। नगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि धौलपुर नगर के निजी एवं सरकारी 90 विद्यालय कैंपस में एवं निजी एवं सरकारी 20 कॉलेज कैंपस में जाकर के एबीवीपी कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर विद्यार्थियों को एबीवीपी से जोड़ेंगे। इस अवसर पर जिला सह संयोजक राजू गुर्जर, हर्ष उपाध्याय, आकाश दाताराम गुर्जर, अरविंद प्रजापति, शिवम श्रीवास्तव, मोहित शर्मा, ललित बंसल, अनमोल बंसल, आदेश भटनागर, मयंक गुर्जर, आयुष सिंगल, जय वर्मा, अजय सिकरवार, प्रशांत श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, मानवेंद्र त्यागी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत तिब्बत सहयोग मंच धौलपुर द्वारा जिला अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा के निर्देश में शहर के भामतीपुरा रोड पर संचालित माध्यमिक विद्यालय किंग जॉर्जेस पब्लिक स्कूल में प्रातः वंदना के समय समस्त विद्यालय स्टाफ एवं स्कूली छात्र छात्राओं को मंच के उद्देश्य अवगत कराते हुए चाइना के सामान को उपयोग न करने के लिए जागरूक अभियान के साथ कैलाश मुक्ति संकल्प पत्र भरवाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अक्षत शुक्ला, अमित मुदगल, संतोष खलीफा, अंजना मोदी, हरिओम शर्मा, रश्मि संयोगिता, सुरेश, प्रिंस, भरत गुर्जर सहित विद्यालय स्टाफ सहित कई व्यक्ति उपस्थित रहे।